गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 23। चैप्टर 23 है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखिए क्या मीनिंग दिया गया है। इफ़ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अदर पॉलिनोमियल्स f1x, f2x, देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मीनिंग है कि जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी दो अदर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 15 को लिखा, 15 को हमने क्या लिख दिया, 3 × 5। 15 को हम इन दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 15 को हमने लिख दिया 3 × 5। अब जो 3 और 5 होंगे ये दोनों 5 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो फैक्टर का मीनिंग होता है जब हम किसी भी नंबर को दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो जो दोनों नंबर्स होते हैं वो उस गिवन नंबर के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने का जो हमारे पास मेथड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब फैक्टराइजेशन की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। हम फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो हमारी एक्सरसाइज 23.1 में डिस्कस की गई है। फर्स्ट टाइप हमारी क्या है, फैक्टराइजेशन व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज़ ए कॉमन फैक्टर। हम फैक्टराइजेशन कब कर सकते हैं, जब एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर निकलता हो, तो हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे और कॉमन फाइंड आउट करने के बाद हम उनके क्या बना देंगे, फैक्टर्स बना देंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइप जो हमारी है वो है फैक्टराइजेशन व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज़ अ कॉमन फैक्टर। जब एक्सप्रेशन में, जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर होता है तब हम उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे एक्सरसाइज 23.1 में। तो देखिए एक्सरसाइज 23.1 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें दे रखा है, देखिए सभी 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हैं, इनमें सबके लिए दे रखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इन सभी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो देखिए फर्स्ट आपके पास है 6xyz − 9xyw, 6xyz − 9xyw। अब यहाँ पर देखिए आप इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। फैक्टराइज का मतलब क्या है कि आपको दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है इसको। तो यहाँ पर देखिए 6 और 9 जो कॉन्स्टेंट फैक्टर है उसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3, मतलब दोनों 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं तो हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमने x भी कॉमन ले लिया, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हमने y भी कॉमन ले लिया। तो 3xy हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखिए z यहाँ है और यहाँ w है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता, तो हमने 3xy कॉमन लिया। ब्रैकेट स्टार्ट, अब 3 की टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर, तो हमने 2 ले लिया। xy हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच गया, z बच गया, तो हमने लिखा 2z। माइनस का साइन है तो माइनस। अब 3 की टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 पर, xy हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बच गया w, तो 3xy 2z माइनस 3w, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में आपके पास दिया गया a की पावर 3 b की पावर 4 −2a की पावर 4 b की पावर 3। अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, तो दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ सकता है, a³ और b³, क्योंकि ए क्यूब ये भी दोनों में जो पावर कम पावर होगी हम उसी को हमेशा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया और बी की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो हम बी की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। तो ए क्यूब बी क्यूब हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। जब ए क्यूब कॉमन जा चुका तो यहाँ पर क्या बचा, बी बच गया, क्योंकि बी की पावर 4 में से जब आप बी क्यूब को सब्ट्रैक्ट करते हो, बी क्यूब आपके पास जा चुका, तो इसका मतलब पावर 3 जा चुकी है यहाँ से, तो कितनी पावर बच गई, बी की पावर 1, तो यहाँ पर बच गया बी की पावर 1 या फिर बी। माइनस का साइन, अब यहाँ पर देखिए 2, 2 हमने कॉमन लिया था तो 2 आ गया, और ए की पावर 4, ए की पावर 3 हम कॉमन ले चुके हैं तो ए की पावर 1 बच गई, तो ये बच गया बी माइनस 2a, और बी की पावर 3 कॉमन जा चुकी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी का थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x²yz −4xy²z +6xyz². अब यहाँ भी देखिए आपके पास सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म में कॉमन देखते हैं, 2, 4, 6 तीनों 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। x² x और x आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो। आपको बताया है कि कम पावर हमको हमें कॉमन लेनी है, y² और y, तो आप इसमें से y कॉमन ले सकते हो, z और z², तो यहाँ से z ले सकते हो। ब्रैकेट स्टार्ट, अब देखो 2 कॉमन जा चुका, यहाँ पर x की 2 पावर है, 1 पावर जा चुकी है तो 1 पावर बच गई x, y और z कॉमन जा चुका तो ये हमारे पास नहीं रहेगा, तो यहाँ पर बच गया x। माइनस का साइन, यहाँ से हमारे पास 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 × 2 = 4 होता है, तो 2, x कॉमन जा चुका है, वाई स्क्वेयर में 1 पावर जा चुकी है तो 1 पावर बच गई y, और z हमारे पास कॉमन जा चुका है तो ये बच गया 2y। प्लस का साइन, 6 कहाँ पर आता है 2 की टेबल में, 3 पर, तो हमने लिखा 3, x कॉमन जा चुका है, y कॉमन जा चुका है और z की 1 पावर कॉमन जा चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ z बच गया, तो ये बन गया x −2y + 3z। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है इसी में आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 4p⁵ −6p⁴q² −8pq³। तो यहाँ पर भी आपको इसको फैक्टराइज करना है। देखिए ये सभी किसकी टेबल से डिवाइड होते हैं, 4, 6 और 8 2 की टेबल से। कॉमन जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कॉमन लेना है, मतलब इनका HCF लेना है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो इनका जो HCF आएगा 4, 6 और 8 का वो आएगा 2। तो यहाँ पर आप देखिए p⁵, p⁴ और p⁴, सबसे कम पावर है p⁵, तो p⁵ हमने ले ली, q² और q³, तो हम यहाँ से q ले लेंगे।
अब देखिए 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 पर, p की पावर 5 है तो p की पावर 3 कॉमन जा चुके, तो ये बच गया p स्क्वायर माइनस का साइन, क्योंकि क्यों जा चुका है कॉमन। यहाँ पर 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर, तो हमने लिया 3, p की पावर 4, p की पावर 3 कॉमन जा चुके हैं, तो यहाँ बच गया p की पावर 1, और q स्क्वायर में q जा चुका है तो यहाँ बच गया q, तो ये बच गया 3pq माइनस का साइन। 8 2 की टेबल में कहाँ पर आता है, सॉरी 2 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है, यस 8 की टेबल में 2 कहाँ पर, 8 2 की टेबल में कहाँ पर आता है, 2 पर, 4 पर आता है, तो हमने यहाँ पर लिया 4, पी क्यूब आपके पास कॉमन जा चुका है, यहाँ से क्यू क्यूब, तो क्यू क्यूब में से क्यू जा चुका है तो क्यू स्क्वायर बच गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर 5, ए क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10 ए एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट टर्म में 5 और 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो 5 और 10 हमारे पास कॉमन नहीं जा सकते, तो यहाँ से देखिए एक जो तीनों में होगा वही कॉमन आएगा, तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर और ए, तो ए क्यूब ए स्क्वायर और ए में से ए कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर कॉमन जा सकता है। देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो वाई की कोई टर्म नहीं है, तो हम वाई को भी कॉमन नहीं ले सकते, तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा ए एक्स स्क्वायर। जब ए एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ए की पावर 2, क्योंकि एक पावर जा चुकी है, एक्स स्क्वायर हो चुका है तो यहाँ पर बच गया वाई, तो ए स्क्वायर वाई माइनस का साइन 5 बचेगा, ए स्क्वायर में से ए जा चुका है तो ए बच गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर जा चुका है तो एक्स बच गया, और वाई स्क्वायर नहीं है कॉमन नहीं लिया तो वाई स्क्वायर बच गया, प्लस 10 हमारे पास बच गया, यहाँ से ए जा चुका है कॉमन और एक्स स्क्वायर जा चुका है तो यहाँ पर बच गया एक्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3 ए एक्स क्यूब। अब इसमें से आप देखिए क्या कॉमन आ सकता है, कॉन्स्टेंट नंबर तो कॉमन आ ही नहीं सकता, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए ए स्क्वायर और ए में से ए कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ है वाई स्क्वायर बट यहाँ वाई नहीं है तो हम वाई कॉमन नहीं लेंगे, तो अब देखिए हमारे पास हमने ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जब ए एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया वाई माइनस का साइन 5, ए कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर बच गया ए, एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो यहाँ बच गया एक्स, और वाई स्क्वायर हमारे पास नहीं गया तो हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस का साइन, यहाँ से हम ए को कॉमन ले चुके हैं और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर बच गया 3 और एक्स, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 3a की पावर 4 बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी क्यूब प्लस 21 ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 4। तो इनमें से देखिए कॉन्स्टेंट टर्म में देखते हैं 3, 12 और 21, ये तीनों किसकी टेबल से डिवाइड होते हैं, 3 की टेबल से, तो हमने यहाँ पर ले लिया 3 कॉमन। नेक्स्ट आपके पास देखिए a की पावर 4 ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बी क्यूब बी की पावर 4 बी स्क्वायर, तो आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, सी स्क्वायर सी क्यूब और सी की पावर 4, तो आप सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया सेकंड क्वेश्चन में कॉमन। अब देखिए क्या बच गया, 3 कॉमन जा चुका है, ए स्क्वायर पावर 2 सबकी कॉमन जा चुकी है, तो यहाँ से पावर 2 बच गई ए की पावर 2, यहाँ से पावर 2 कॉमन जा चुकी है तो यहाँ पर बच गया 1 पावर बी, और सी स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो नहीं लिखेंगे हम उसको, माइनस का साइन 12 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 4 पर, तो हमने लिखा 4, ए स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो रहने देंगे, बी की पावर 4 में से बी स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो बी की पावर 2, और सी क्यूब में से सी स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो बच गया सी, प्लस का साइन 21 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 7 पर, तो हमने लिखा 7, ए क्यूब में से ए स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो यहाँ बच गया ए, बी स्क्वायर कंप्लीट जा चुका है तो नहीं लिखेंगे हम उसको, और सी की पावर 4 में से सी स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो ये बच गया सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 28 पी की पावर 8 क्यू की पावर 5 माइनस 48 पी की पावर 5 क्यू की पावर 8। अब इन दोनों में देखिए पहले कॉन्स्टेंट टर्म में देखिए 28 और 48 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनका होगा वो क्या होगा 4 होगा, तो हमने यहाँ पर ले लिया 4, p की पावर 8 और p की पावर 5, तो p की पावर 5 हम कॉमन लेंगे, q की पावर 5 और q की पावर 8, तो हम q की पावर 5 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, 28 कहाँ पर आता है 4 की टेबल में 7 पर, ये हो गया p की पावर 8 में से p की पावर 5 कॉमन जा चुके हैं तो p की पावर 3, और q की पावर 5 कंप्लीट कॉमन जा चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे, माइनस का साइन 4 कहाँ पर आता है सॉरी 48 4 की टेबल में कहाँ पर आता है 12 पर, तो हमने लिखा 12, अब p की पावर 5 कॉमन जा चुके हैं तो हमें नहीं लिखना, और q की पावर 5 क्योंकि पावर 8 है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कितनी पावर बच जाएगी क्योंकि पावर 3, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, 72 ए की पावर 9 एक्स की पावर 10 वाई की पावर 8 प्लस 108 ए की पावर 5 एक्स की पावर 10 वाई की पावर 10। अब यहाँ पर भी आपको देखिए पहले कॉन्स्टेंट में से कॉमन लीजिए, इनका एच सी एफ देखिए 72 और 108 का जो एच सी एफ आएगा वो आएगा 36, तो हमने 36 ले लिया, ए की पावर 9 है और ए की पावर 5 है, तो आप ए की पावर 5 लिखेंगे, एक्स की पावर 10 और एक्स की पावर 8 तो एक्स की पावर 8 लिखेंगे, वाई की पावर 8 और वाई की पावर 10 तो आप वाई की पावर 8 लिखेंगे, जो कम पावर होगी हमें हमेशा उसी को कॉमन लेना है। ब्रैकेट स्टार्ट, अब 72 36 की टेबल में कहाँ पर आता है 2 पर, तो हमने 2 लिख दिया, ए की पावर 9 में से ए की पावर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए की पावर 4, एक्स की पावर 10 में से एक्स की पावर 8 हम कॉमन ले चुके हैं तो एक्स की पावर 2, और वाई की पावर 8 कंप्लीट कॉमन जा चुका है तो वो नहीं बचेगा, प्लस का साइन 108 कहाँ पर आता है 36 की टेबल में 4 पर, तो सॉरी 3 पर, तो हमने यहाँ पर लिखा 3,
इसके बाद a की पावर 5 कॉमन जा चुके हैं नहीं लिखना, x की पावर 8 कॉमन जा चुके हैं नहीं लिखना, y की पावर 10 में से y की पावर 8 कॉमन जा चुके हैं तो ये बच गया y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व। नेक्स्ट आपके पास इसी का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपके पास क्या दिया गया है, 18x की पावर 7, y की पावर 5, z की पावर 9, माइनस 81x की पावर 5, y की पावर 3, z की पावर 10, माइनस 27x की पावर 5, y की पावर 9, z की पावर 20। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 18, 81 और 27 ये सभी किसकी टेबल से डिवाइड होते हैं, देखिए 9 की टेबल से डिवाइड होते हैं, 9 की टेबल से ये भी और ये भी। तो आपने 9 कॉमन ले लिया, x की पावर 7, x की पावर 5 और x की पावर 5, तो x की पावर 5 कम है तो हमने इसको लिख दिया, y की पावर 5, y की पावर 3 और y की पावर 9, तो y की पावर 3 कम है तो हमने इसको लिख दिया, z की पावर 9, z की पावर 10 और z की पावर 20, तो z की पावर 9 को लिख दिया। अब देखिए 18 आता है 9 की टेबल में 2 पर, x की पावर 7 में से x की पावर 5 जाएगा तो x की पावर 2 बच गया, y की पावर 5 में से y की पावर 3 जाएगा तो y की पावर 2 बच गया, और z की पावर 9 हमारे पास कॉमन जा चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे। माइनस का साइन, 81 9 की टेबल में कहाँ पर आता है, 9 पर, x की पावर 5 कॉमन जा चुका है, y की पावर 3 कॉमन जा चुका है, तो z की पावर 10 में से z की पावर 9 जाएगा तो z की पावर 1 या z बच गया। माइनस का साइन, 27 9 की टेबल में कहाँ पर आता है, 3 पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, x की पावर 5 कॉमन जा चुका है नहीं लिखना, y की पावर 9 में से y की पावर 3 जा चुकी है कॉमन तो y की पावर 6 बच गई, z की पावर 20 में से z की पावर 9 जा चुकी है कॉमन तो z की पावर 11 बच गया। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस वाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई बी स्क्वेयर। अब देखिए एक टर्म तो ये कंप्लीट हो गई क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में, एक टर्म हमारी ये हो गया। अब इन दोनों टर्म में कॉमन देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक्स प्लस वाई दोनों में है, तो आप एक्स प्लस वाई को कॉमन ले सकते हो, जब एक्स प्लस वाई कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वेयर प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या बच गया, बी स्क्वेयर, क्योंकि एक्स प्लस वाई दोनों में है हमने कॉमन ले लिया, तो इस साइड हमारे पास बच गया ए स्क्वेयर प्लस और इस साइड बच गया बी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, ए एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 3x प्लस 3y, आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए आपने इसको तो एज इट इज़ लिखा, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो बेटा दोनों में 3 आ रहा है तो आप 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बट साथ ही साथ मैंने माइनस का साइन भी बाहर ले लिया। क्यों ले लिया माइनस का साइन बाहर, क्योंकि यहाँ पर देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो x को हमें पॉजिटिव बनाना है, y को नेगेटिव बनाना है ताकि हम कॉमन ले सकें, तो उसके लिए हमने माइनस का साइन भी बाहर ले लिया और हमने क्या ले लिया, 3 को भी कॉमन ले लिया। तो जब हमने माइनस का साइन बाहर लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला साइन तो प्लस का हो जाएगा और ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा। अब जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बच गया x और यहाँ पर बच गया y, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट हो गया क्योंकि हमने प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन कर दिया, माइनस का साइन भी हमने बाहर ले लिया। अब देखिए आप दोनों में देख रहे हैं कि x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो आपने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया और यहाँ पर बच गया a और इधर बच गया माइनस 3, तो यहाँ पर लिख दिया a माइनस 3। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास क्योंकि यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन आ रहा था, 3 तो हमने कॉमन लिया, साथ में माइनस का साइन भी बाहर ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है उसमें, तो हमें भी x को पॉजिटिव बनाना है, y को नेगेटिव बनाना है। तो जब हम माइनस का साइन बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो x पॉजिटिव बन गया, y नेगेटिव। अब x माइनस वाई कॉमन और a माइनस 3 आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई और a माइनस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ए एक्स वाई बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ए सी माइनस बी। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर c माइनस बी है। अगर ये माइनस का साइन हम बाहर ले लें तो फिर से सेम हो जाएगा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको तो एज इट इज़ लिखा, ए एक्स वाई बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, हमने क्या ले लिया यहाँ से, माइनस का साइन बाहर ले लिया, प्लस का साइन अब क्या बन गया, माइनस का, इसको एज इट इज़ रखा, और यहाँ पर जो बी माइनस का था वो प्लस का बन गया और सी पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव बन गया, क्योंकि माइनस का साइन जब ब्रैकेट के बाहर आ जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, पहले ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था, अब माइनस का साइन हम लगा रहे हैं तो हम अंदर के साइन को चेंज कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ए एक्स वाई और एक्स स्क्वेयर ए, इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए ए दोनों में है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर ए, हम यहाँ पर ए को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने ए को भी कॉमन ले लिया, ए दोनों में एक्स और एक्स स्क्वेयर, अब एक्स और एक्स स्क्वेयर में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स को भी हमने कॉमन ले लिया, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने ए एक्स को कॉमन ले लिया, ए एक्स कॉमन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या ए एक्स कॉमन आ गया, साथ ही साथ ये देखिए एक जगह तो दिया हुआ है बी माइनस सी का होल स्क्वेयर और एक जगह हमारे पास दिया हुआ है बी माइनस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो b माइनस सी की पावर 2 है और यहाँ पर b माइनस सी की पावर 1 है, तो हम कम पावर कॉमन ले सकते हैं, तो हम b माइनस सी को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन लिया ए एक्स एंड b माइनस सी, पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, हमने इसको नेगेटिव बनाया तो अंदर के साइन चेंज कर दिए, b नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया, c पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया। इसके बाद हम दोनों में देख रहे हैं, देखिए a दोनों में है तो यहाँ पर a अगर दोनों में है तो a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर जो x है वो दोनों में है क्योंकि x और x स्क्वायर है तो x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर b माइनस सी की पावर 2 है, यहाँ पर b माइनस सी की पावर 1 है, तो कम वाली पावर कॉमन आती है तो हम b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए ए
x कॉमन जा चुका तो सिर्फ y बचा हमारे पास, और इधर क्या बचा, b माइनस सी की पावर टू, टू पावर थी, एक पावर कॉमन जा चुकी है तो सिर्फ एक पावर बच गई। जैसे मान लो हमारे पास x क्यूब और x स्क्वायर दिया होता है, तो जब दो पावर, अब हम x की पावर टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें क्या बच जाएगा, x की पावर वन बच जाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर b माइनस सी की पावर टू है तो b माइनस सी की पावर वन बच जाएगी और इधर y बच गया। माइनस का साइन यहाँ से x स्क्वायर में से हम x कॉमन ले चुके हैं तो x बच गया, a हमारे पास कॉमन जा चुका है और b माइनस सी भी कॉमन जा चुके हैं तो इधर सिर्फ बचा x। नेक्स्ट अब देखिए ए एक्स बी माइनस सी है तो एज इट इज़ रखा, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए y और b माइनस सी ये मल्टीप्लाई में थे दोनों, तो y को b माइनस सी से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई बी माइनस वाई सी, वाई को पहले b से फिर y को c से, तो वाई बी माइनस वाई सी माइनस एक्स, ये हमने एज इट इज़ रखा ए एक्स बी माइनस सी। आप वाई बी को बी वाई भी लिख सकते हैं और वाई सी को आप सी वाई भी लिख सकते हैं, तो बी वाई माइनस सी वाई माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन नंबर 14, एक्स एक्स वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस थ्री वाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो वाई प्लस जेड की पावर थ्री है, यहाँ पर वाई प्लस जेड की पावर टू है, तो वाई प्लस जेड की पावर टू कॉमन आ सकती है, तो हमने वाई प्लस जेड की पावर टू कॉमन ले लिया। अब यहाँ तो देखिए क्या बच गया, एक्स ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में एक्स, तो एक्स अब वाई प्लस जेड की पावर टू कॉमन जा चुके हैं तो वाई प्लस जेड की पावर वन बच गई हमारे पास, तो एक्स और वाई प्लस जेड हमारे पास बच गया। माइनस का साइन इधर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कंप्लीट कॉमन जा चुका है तो इधर बच गया थ्री वाई, तो आप लिख देंगे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एज इट इज़, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स को वाई से किया तो एक्स वाई, एक्स को जेड से किया तो एक्स जेड माइनस थ्री वाई, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, ए ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पर भी देखिए आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ए माइनस बी है यहाँ पर, यहाँ पर माइनस ए प्लस बी है, तो अगर माइनस का साइन मैं इसमें भी बाहर ले लूँ तो जो ए है वो तो पॉजिटिव बन जाएगा और बी कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए सेम किया, ए ए माइनस बी का क्यूब, यहाँ पर हमने माइनस का साइन बाहर ले लिया तो बी, अब ए पॉजिटिव बन गया और बी नेगेटिव बन गया, तो माइनस बी ए माइनस बी ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए माइनस बी की पावर थ्री है, यहाँ पर ए माइनस बी की पावर वन है, तो आपको पता है कम पावर कॉमन आती है, तो आप ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, तो हमने क्या कर दिया, हमने ए माइनस बी को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, ए और यहाँ पर पावर वन कॉमन गई है तो पावर टू बच गई, तो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर बच गया b। अब नेक्स्ट हम करेंगे a माइनस बी एज इट इज़, ब्रैकेट स्टार्ट, a a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने ओपन की, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस बी, ये हमने एज इट इज़ रखा है a माइनस बी। अब क्योंकि a इनके मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर है, a इसके मल्टीप्लाई में, तो a को मल्टीप्लाई कर देंगे, a को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, पावर टू यहाँ पर है, पावर वन यहाँ पर है, ए क्यूब बन गया, ए को बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वेयर, माइनस का साइन टू एज इट इज़ आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर टू, क्योंकि पावर वन यहाँ दोनों पावर ऐड हो गई तो ए की पावर टू बन गई और बी, और माइनस का बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया गया है, एक्स पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यू माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू का क्यू। अब यहाँ पर देखिए पी माइनस क्यू, यहाँ पर q माइनस पी है, अब p माइनस क्यू और q माइनस पी में हमारे पास फिर से वही डिफरेंस है, हम माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर भी सेम करेंगे, पहले माइनस का साइन हम बाहर ले लेंगे, तो देखिए x p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रखा, यहाँ से हमने माइनस का साइन बाहर ले लिया तो माइनस वाई बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, p पॉजिटिव बन जाएगा, y नेगेटिव बन जाएगा, तो हमने प्लस p कर दिया और माइनस q कर दिया, प्लस आर पी माइनस क्यू का होल क्यूब, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम पी माइनस क्यू कॉमन ले सकते हैं, देखिए पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू की पावर थ्री है, तो हम पी माइनस क्यू को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, हमारे पास क्या बच गया इधर, एक्स और पी माइनस क्यू की पावर वन, तो हमने एक्स और पी माइनस क्यू की पावर वन ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया, माइनस का यहाँ पर देखिए पी माइनस क्यू कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर सिर्फ वाई बचेगा, प्लस आर यहाँ पर पी माइनस क्यू की पावर थ्री में से पी माइनस क्यू की पावर वन कॉमन जा चुकी है तो पी माइनस क्यू की पावर टू बच गई, तो आर पी माइनस क्यू की क्यू का होल स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। अब अगर हमें इसको आगे सोल्व करना है तो हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे, पी माइनस क्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट एक्स पी या पी एक्स,
हम x को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको px भी लिख सकते हैं, xp भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया px माइनस q को x से मल्टीप्लाई किया, तो qx माइनस y एज इट इज़ प्लस r। अब p माइनस q का होल स्क्वेयर है ये, तो पहले हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये a माइनस b के होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारे पास a है p और b है हमारा q, तो हम लिख देंगे p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर माइनस 2pq। तो हमने लिख दिया r p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर माइनस 2pq। p माइनस q हमारे पास एज इट इज़ पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस वाई प्लस आर को पी स्क्वेयर से करेंगे तो आर पी स्क्वेयर, आर को क्यू स्क्वेयर से करेंगे तो आर क्यू स्क्वेयर, और आर को माइनस टू पी क्यू से करेंगे तो माइनस टू पी क्यू आर, माइनस टू पी क्यू एज इट इज़। और फिर हमने आर लिख दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 17th क्वेश्चन दिया गया है, 3a एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6b एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दोनों में कॉमन है, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, इधर बच गया 3a प्लस 6b। बट यहाँ पर देखिए बेटा 3 और 6 में भी कॉमन आ रहा है हमारे पास 3, क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो हमने 3 को भी बाहर ले लिया। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पहले से था, 3 भी हमने बाहर ले लिया। जब हमने 3 ले लिया तो यहाँ पर बच गया a प्लस 6, 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 2 पर, तो यहाँ बच गया 2 और b। तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ए प्लस 2b। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपके पास क्या दिया गया है, 14 a माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 21p a माइनस 3b। इसमें देखिए आपके पास, आपको पता है 14 और 21 इन दोनों में से तो क्या कॉमन आ सकता है, देखिए एक टर्म हमारे पास ये वाली है कंप्लीट, एक टर्म हमारे पास ये वाली है, तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 7 कॉमन ले सकते हैं 14 और 21 में से। तो 14 और 21 में से मैंने कॉमन ले लिया 7। a माइनस 3b का होल क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ a माइनस 3b है, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो हम पावर 1 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया a माइनस 3b को भी कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, 14 7 की टेबल में कहाँ पर आता है 2 पर, तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर पावर 1 कॉमन जा चुकी है तो पावर 2 बच गई, तो हमने लिख दिया a माइनस 3b का होल स्क्वायर, माइनस का साइन। 21 में से हमने 7, 21 जो 7 की टेबल में कहाँ, 21 7 की टेबल में कहाँ पर आता है 3 पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, और क्योंकि p भी कॉमन नहीं किया तो हमने p लिख दिया, और ये a माइनस 3 भी कंप्लीट कॉमन जा चुका है, तो हमने एज इट इज़ इसको नहीं लिखा फिर, तो हमने लिख दिया 7 a माइनस 3 भी तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 2 a माइनस 3 भी का होल स्क्वायर, यहाँ से 21 7 की टेबल में आता है 3 पर, p एज इट इज़ और ये कॉमन जा चुका है तो हम नहीं लिखेंगे। अब आप अपना आंसर सिर्फ यहाँ तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम आगे सॉल्व कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको आगे सॉल्व कर दिया, 7 a माइनस 3b एज इट इज़, ब्रैकेट स्टार्ट 2। अब ये बन गया x a माइनस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो आप कर देंगे a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास है 3b, तो 3b का स्क्वायर माइनस 2 a मल्टीप्लाई 3b, ये हम कर देंगे माइनस 3b। नेक्स्ट आप लिखेंगे 7 a माइनस 3b, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर माइनस 3 2 6 ab, तो ये हो गया माइनस 6 ab माइनस 3b। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या आएगा, 7 a माइनस 3b एज इट इज़, 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 a स्क्वायर प्लस 18b स्क्वायर माइनस 12 ab और माइनस 3p, क्योंकि माइनस 3p अलग से है, ये 2 जो है वो सिर्फ इनके मल्टीप्लाई में, तो हमने 2 को सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई किया और 3p को एज इट इज़ रखा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 18 भी सॉल्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, 10a 2p प्लस q का क्यूब माइनस 15b 2p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस 35 2p प्लस q। अब आप देख रहे हैं, देखिए 2p प्लस q का क्यूब, 2p प्लस q का स्क्वायर, 2p प्लस q, तो 2p प्लस q की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हम 2p प्लस q की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 10a 15b और 35, तो यहाँ पर देखिए अब a और b में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 10 15 और 35 5 की टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया कॉमन, 5 कॉमन ले लिया, तो हमने ले लिया 5 2p प्लस q कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से जब 5 कॉमन चला गया तो 2 बच गया और a बच गया, यहाँ पर 2p प्लस q की पावर 1 कॉमन जा चुकी है, तो 2p प्लस q की पावर 2 हमारे पास आ जाएगी, माइनस का साइन। 15 में से 5 हमारे पास कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पर बच गया 3, क्योंकि 15 5 की टेबल में आता है 3 पर, तो 3b। अब 2p प्लस q के होल स्क्वायर में से 1 पावर कॉमन जा चुकी है, तो यहाँ पर पावर 1 बच गई, तो ये हो गया 3b 2p प्लस q प्लस 35 5 की टेबल में कहाँ पर आता है 7 पर, और 2p प्लस q एज इट इज़ हमारे पास जा चुका है कॉमन, तो हम इसको नहीं लिखना, तो ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ तक भी कर सकते हैं, हम आगे सोल्व भी कर सकते हैं, तो हमने इसको आगे सोल्व कर दिया, 5 2p प्लस q ब्रैकेट स्टार्ट 2a। अब 2p प्लस q का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 से आप 2p और q को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज।
माइनस का साइन 3b को 2p से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6bp, 3 2 6 bp, तो ये हो गया 3 2 6 bp या pb। इसके बाद माइनस का साइन है तो हमारे पास यहाँ माइनस ही रहेगा, 3b को q से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस का साइन अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है, तो माइनस का साइन 3b को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bq या 3qb और प्लस 7 एज इट इज़। अब आगे सॉल्व कर देते हैं, 5 2p प्लस q एज इट इज़, 2a 2p का स्क्वेयर बनेगा 4p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर, 2 2 4 pq, माइनस का साइन ये हो जाएगा 6pb माइनस 3qb प्लस 7। नेक्स्ट हम लिखेंगे 5 2p प्लस q, 2a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8a p स्क्वेयर, प्लस का साइन 2a को q स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a q स्क्वेयर, प्लस का साइन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8a pq, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8a और pq ये हमारे पास आ जाएगा और इसको एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 6pb माइनस 3qb प्लस 7। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, 2abc एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3a² c ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर प्लस 2c² एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई और यहाँ पर एक्स माइनस वाई, इन दोनों में एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, लेकिन इसमें एक्स माइनस का और वाई प्लस का है, तो आप फिर से क्या करेंगे, माइनस का साइन बाहर ले लेंगे। अब देखिए बाहर पहले से माइनस का साइन है और यहाँ से भी माइनस का साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए 2abc 3a² c और 2c². अब आप इन सब में देख रहे हैं बेटा c आ रहा है आपका, देखिए a इसमें है इन दोनों में बट इसमें नहीं है, a b इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन c आपका इन तीनों में है, तो हमने c को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब c जब कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया 2ab, ठीक है। यहाँ पर हमने x माइनस वाई क्यूब को एज इट इज़ रखा, यहाँ से माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया तो ये बन गया प्लस। अब c हम कॉमन ले चुके हैं तो 3a² बच गया यहाँ पर, ये x पॉजिटिव बन गया और y नेगेटिव बन गया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वेयर प्लस c आपका कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर बच गया 2c² x माइनस वाई। अब देखिए आप, अब इन तीनों में से हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, अब हम x माइनस वाई भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर c तो था ही कॉमन, हमने x माइनस वाई को भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे 2ab, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वेयर बच गया क्योंकि पावर 1 कॉमन जा चुकी है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वेयर प्लस 3a² यहाँ पर बच जाएगा x माइनस वाई क्योंकि पावर 2 में से पावर 1 जा चुकी है तो पावर 1 बचेगी, तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई कॉमन जा चुका है तो यहाँ बच जाएगा 2c². फिर आप कर देंगे c x माइनस वाई एज इट इज़, 2ab ये x माइनस वाई के होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है a² प्लस 2c² माइनस 2ab, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे x² प्लस 2y² माइनस 2xy, प्लस का साइन 3a² एज इट इज़। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब यहाँ पर तो हमने कर दिया 3a² को x से मल्टीप्लाई तो 3a² x, माइनस का साइन 3a² को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a² y प्लस 2c² सी एक्स माइनस वाई एज इट इज़। अब आप 2ab को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2ab को x² से मल्टीप्लाई किया तो 2ab x², प्लस का साइन 2ab y² से मल्टीप्लाई किया तो 2ab y², माइनस का साइन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4ab xy, तो 4ab xy, और ये हमने एज इट इज़ रख दिया प्लस 3a² x माइनस 3a² y प्लस 2c², तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 23.1। तो अब आपको एक्सरसाइज 23.1 कंप्लीट करनी है।